हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू टी वी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो हमने विड्थ ली है वो हमने 8 इंचेस ली है, और हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 8.5 इंचेस ली है। इसको हम सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी चौड़ाई वाली साइड है, विड्थ वाली साइड है। अब हम इस पर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। पैटर्न हम वन साइड से ड्रॉ करेंगे। जो इसकी हम विड्थ रखेंगे वो हम 3 इंचेस रखेंगे। इस तरह से 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और ऊपर से हम इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे, इस निशान को यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे स्लैंट शेप देते हुए। अब यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंचेस पे, ये हमारा 1 इंचेस ही बच रहा है यहाँ पे। इस तरह से 1 1 इंच होना चाहिए सभी साइड में से। इस तरह से अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने पैटर्न की कटिंग कर ली इस तरह से, अब हम इसको कपड़े की रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग साइड है कपड़े की, रॉन्ग साइड पे रखते हुए इसको हम पेस्ट कर लेंगे। और साइड्स में से इसकी यहाँ से कटिंग करते हुए इसके जो किनारे हैं हम कच्ची सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया। अब हम इसकी सभी साइड्स में से कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने इसके सभी किनारे फोल्ड कर लिए हैं, रफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए सेंटर पे कट लगा लेंगे। और यहाँ भी नीचे की तरफ भी सेंटर पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इस तरह से शर्ट ले ली है, ये हमने इन्हें फोल्ड करके रखा है इसको। और जो ये इसका सेंटर पॉइंट है इस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से क्रीज भी बना सकते हो इस तरह से दबाते हुए। अब हम नेक का जो हमारा ये पैटर्न हमने रेडी किया है ये लेंगे। अगर इसको इस तरह से रखते हुए, ये जो शर्ट का ऊपर की तरफ यहाँ से भी जो सेंटर है इस पर मैंने कट लगा दिया है। इस तरह से नेक के डिज़ाइन का सेंटर और शर्ट के सेंटर को इस तरह से रखते हुए और नीचे से सेंटर में लाते हुए यहाँ पे रफ सिलाई लगा लेंगे सेंटर में। और एक बात और, जो ये हमने पैटर्न जो हमने अटैच किया है, ये शर्ट की रॉन्ग साइड पे अटैच किया है, हम इसको राइट साइड में फोल्ड करेंगे, राइट साइड की तरफ पलटेंगे। अब हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई दे देंगे। ये जो सेंटर वाली कच्ची सिलाई लगाई है हमने, ये हम निकाल देंगे और इसकी यहाँ से 1-1 फुट का गैप छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे।
और नेक के अंदर छोटे छोटे कट्स दे देंगे, सिलाई से दूर रखते हुए देंगे। अब हम नेक को राइट साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे, पलट लेंगे राइट साइड में। ये हमने इस तरह से राइट साइड में इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया, जिससे कि हमारी जो नेक की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। हम नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हम इस तरह से कपड़ा लेंगे और उसमें से ओरेव पट्टी की कटिंग करेंगे, स्ट्रिप काटेंगे ओरेव में। जितनी लंबी आपको पाइपिंग बनानी है आप उतना लंबा कटिंग कर सकते हो कपड़े की। जो मैंने इसकी स्ट्रिप विड्थ ली है वो 1.5 इंचेस ली है। इस तरह से मार्केट में जो है आपको डोरी मिल जाएगी इस टाइप की, इससे हम पाइपिंग बनाएंगे। हमने ये जो स्ट्रिप की कटिंग की है ये इसकी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में इस तरह से डोरी को रखते हुए थोड़ा हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से, ताकि ये हमारी जो अंदर की तरफ ना चली जाए डोरी। सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए, आप सिंगल फुट का यूज़ भी कर सकते हो। इस तरह से करते हुए यहाँ पे ये देखिए डोरी के यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो डोरी के बिल्कुल पास में लगाई है सिलाई, डोरी के ऊपर नहीं लगाई है। अब हम ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम इस तरह से रखते हुए, नेक पे यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से हमने इस पे जो है पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इस पे मिरर अटैच करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गैप छोड़ लेंगे, मैंने ऊपर से 1 इंच छोड़ लिया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ा है। इस तरह से हम रखते हुए पूरी नेक में जो है मिरर अटैच कर लेंगे। ये हमने पूरी नेक में इस तरह से मिरर अटैच कर लिए हैं। ये मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच किए हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।